नमस्कार किसान भाइयों, ये हमारी पूसा तेजस है और आज हम बात करेंगे कि पूसा तेजस में गवट वाली अवस्था पर हमें कौन सी टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए और साथ में क्या मिलाकर डालना चाहिए। पहले आप हमारी पूसा तेजस देख लीजिए, इसमें कल्लों की संख्या कॉमन 3 से 4 है। ज़्यादातर आपको 3 से 4 कल्ले ही देखने को मिलेंगे। इसमें हमने पिछले साल जो टॉनिक का इस्तेमाल किया था, 2 टॉनिक है जिसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा, वो ही हम आपको बताने वाले हैं। तो पहली है नवा किसान की, हमारी आती है एक तो बेंजामिन और खजाना कॉम्बी पैक, ये दोनों का स्प्रे करना है मिलाकर। जो नवा किसान की आती है 40 से 50 ml प्रति पंप, इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा था किसान भाइयों। हमारी पूसा तेजस का जो एवरेज रहा वो 20 से 21 क्विंटल प्रति एकड़ रहा। लेकिन सिर्फ टॉनिक की वजह से यह सब कुछ नहीं होता है, शुरू से ही आपको अच्छी देखभाल करना पड़ता है, खाद समय से, खाद पानी सभी टाइम से देना पड़ता है। और जो दूसरी टॉनिक है उसका यूज़ किया था जिसका नाम है वर्धक गोल्ड, ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा। जो भी आपको मिल जाए उसका यूज़ करें। जो 322 है वो भी बोई थी, उसमें वर्धक गोल्ड का यूज़ किया था और आधे में नवा किसान की टॉनिक का यूज़ किया था, तो उसका रिजल्ट मिला था हमें 322 का करीबन 19 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ मिला था। इसलिए हमने 322 को इस साल नहीं बोया है क्योंकि तेजस का रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। और किसान भाइयों, साथ में आपको मिलाना है एक टॉनिक नवा किसान ले सकते हैं या फिर वर्धक गोल्ड, उसके साथ में आपको मिलाना है बोरोन। बोरोन आप कोई सा भी ले सकते हैं, 14.5% वाला, 20% वाला, जो भी आपको सही लगे या फिर जो भी मिल जाए, इसको मिलाकर गर्म पानी में घोल बनाकर साथ में मिलाकर स्प्रे करें। और साथ में आपको लेना है 052434। 052434 आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इफ्को का या फिर महाराजा, जो भी आपको ठीक लगे। डोज की बात की जाए तो इसको आप 1 किलो प्रति एकड़ 052434 को लेना है और गर्म पानी में घोलकर ही इस्तेमाल करें क्योंकि फास्फोरस और पोटास पूरी तरीके से घुल नहीं पाता है और बोरोन भी पूरी तरीके से घुल नहीं पाता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और आने वाली वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि पूसा तेजस और श्रीराम सुपर की 303 दोनों में से कौन सी वैरायटी कैसी लगी हुई है और कौन सी बेस्ट है। हमारी आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।